फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जैसे ही 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया गया, इसके बाद से हिंदू महासभा का गुस्सा देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कई तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किए गए। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा कार्यालय से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी हटा दी गई है, जिसके बाद अब आरजेडी पीएम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में उतर चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से हिंदू महासभा ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को संबोधित किया, उसके बाद अब आरजेडी का कहना है कि इस तरह के शब्दों के उपयोग का हम कड़ा विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, ट्वीट करते हुए आरजेडी ने अपना सपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने इस ट्वीट में लिखा है, हिंदू महासभा द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी माता जी के बारे में अशोभनीय, अमर्यादित और अपमानजनक बातें कही गई है। लोकतंत्र में ऐसे विचारों और कट्टरता की कोई जगह नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसे तुच्छ लोग धर्म, संविधान, देश, लोकतंत्र और समाज को बदनाम करते हैं। कट्टरता को पोषित करने वालों ने अगर इस कट्टरता पर रोक नहीं लगाई तो यह जहरीला सांप इस देश सहित सभी को निगल जाएगा। तमाम असहमतियों के बावजूद प्रधानमंत्री की वृद्ध माता पर ऐसी टिप्पणी करना हिंदू महासभा के संस्कार, शिक्षा और विचार को दर्शाती है। वोट के लिए आरएसएस और भाजपा की अविभाजनकारी नीति ने देश में ऐसे जहर बो दिए हैं जिसे कोई नहीं बचेगा। अभी भी समय है देश हित में ऐसे सांपों का फन कुचल दिया जाए। आरएसएस की नफरती विचारधारा इस देश की एकता, अखंडता, शांति और समृद्धि के लिए अति घातक है। तो ये ट्वीट करते हुए आरजेडी ने अपना सपोर्ट पीएम मोदी को दिया है। और जिस तरह से हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, इतना ही नहीं, हिंदू महासभा कार्यालय से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी हटा दी गई है। इसको लेकर अब आरजेडी बता रही है कि किस तरह से इस देश में नफरत फैलाने का काम आरएसएस की तरफ से किया जा रहा है। और यही वजह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की भलाई के लिए इस 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया, वैसे ही अब ये लोग पीएम नरेंद्र मोदी के विरोध में चले गए हैं और उनकी मां का नाम सामने लाया गया, उनकी मां के लिए इस तरह के खराब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो पूरा मामला है वो इस वक्त सामने आया है, जहां पर एक तरफ हिंदू महासभा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो है आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं, अशोभनीय शब्द कहे गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब आरजेडी बता रही है कि किस तरह से ये लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की भलाई के लिए जो फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, उसके विरोध में जाकर ये हिंदू महासभा इस तरह के काम कर रहे हैं। बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त ये ऐतिहासिक ऐलान उनकी तरफ से लिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अब वो इस 3 कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। ताई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा था कि वो अपना संदेश किसानों तक नहीं पहुंचा पाए, अपनी बातें उन तक नहीं पहुंचा पाए और यही वजह है कि अब इस 3 कृषि कानून को वो वापस ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस वापस लिए जाने को लेकर देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिला। विपक्ष की पार्टियों ने मिठाई बांट कर इस दिन का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा का जो गुस्सा है वो सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। इतना ही नहीं, कार्यालय से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी उतार कर हटा दी गई। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए भी कई तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल किए गए और यही वजह है कि ट्वीट करते हुए अब आरजेडी ने अपना सपोर्ट पीएम मोदी के लिए दिया है और बताया है कि किस तरह से इस देश को बचाने की जरूरत है। जो लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनसे रक्षा करने की जरूरत है और इस तरह के शब्दों का, इस तरह की बातों का आरजेडी खंडन करती है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।